थोड़ा शांत हो जाइए। तो क्वेश्चन जो हम आपको दिया तो बताए थे, चार केस बताए थे, यस या नो? यस सर। चार केस में दो केस हम ऑलरेडी हम लोग क्या डिस्कशन कर चुके हैं। यस सर। दो केस जो है आप पढ़िए तो निशा, तीसरा केस जो था सी नंबर, बच्चे ध्यान सुनेंगे सही बच्चे और आवाज नहीं करेंगे कोई बच्चे, हेलो। हाँ ठीक है, ये हर्ष शर्मा लिखवा है ना, तो हर्ष शर्मा इंप्लॉई है और ये किस डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर के रूप में। तो सभी कंडीशन में क्या बताएं कि हेडिंग आपको क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी। तो कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो लिखिए हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी, सही बच्चे को दिखाई दे रहा है। फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा बताया कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, 21 22 23 उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि कौन कौन आइटम इसमें आएगा, कौन कौन डिडक्शन होगा, मेन पॉइंट ये समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो करेक्ट करवाए थे हम आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सैलरी रिसीव किया वो जो हर्ष शर्मा है वो सैलरी रिसीव, तो रुपीज कितना है, 458,200। अब इसमें डिडक्शन जो है मिला था वो लिया हुआ था ना, तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, अगर आपके पास 10 रुपया है हमको 2 रुपया देने के बाद, तो इसका मतलब पहले आपका कितना रुपया होगा, वही चीज यहाँ पर करना है कि जो डिडक्शन वो ले चुका है वो तो उसका क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी, क्या हो गया वो ग्रॉस सैलरी। तो हमको अगर बेसिक सैलरी में जाना है तो बच्चे जो वहां पर लेस किए थे उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ में आया बात, बेसिक सैलरी पहले होता है, उसमें से उसमें जो भी आपका अलाउंस है या जो परक्यूजिट है ना या बोनस है जो भी है उन सबको ऐड कर देते हैं, तो आपको आ जाता है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन हम कर देते हैं तो आपके पास में जो डेटा आता है, जो सैलरी आता है उसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल सैलरी। क्या कहते हैं, टैक्सेबल सैलरी। तो जो ये अकाउंट ऑफिसर थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, श्री हर्ष शर्मा या मिस्टर हर्ष शर्मा जो भी है, नाम से यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो डिडक्शन के बाद वो सैलरी दिया हुआ है, तो जब मुझे बेसिक सैलरी में जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एड डिडक्शन। ऐसे हम लोग अभी भी हम आपको समझाएंगे, डिडक्शन हमेशा क्या होता है, लेस होता है, लेकिन किसमें से, ग्रॉस सैलरी में से। डिडक्शन किसमें, डिडक्शन जो होता है वो किसमें से होता है, ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी से जो ऊपर वाला आइटम है, जैसे आप पढ़े होंगे अकाउंटिंग में भी कि डेटर अगर मान लो 50,000 रुपया इनर कॉलम में है और लेस क्या करते थे, बैड डेट्स, अगर मान लो 5,000 हो गया तो ये जो 45,000 आ गया ये क्या हो गया आपका, बताओ मुझे, ये तो नेट अकाउंट हो गया ना, तो मुझे अगर बेसिक निकालना है तो इसमें 5,000 ऐड करेंगे तभी तो ये 50,000 आएगा, वही चीज यहां समझना है, ठीक है। अब लिखिए डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन मेड फ्रॉम
सैलरी। और इसमें जो डिडक्शन आपके पास में है क्या क्या है बच्चे, सबसे पहले लिखवाए थे स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो क्वेश्चन में ये है स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम और स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना पर मंथ था, 800 पर मंथ बचे, तो कितना 850 था पर मंथ, बोलो कितना होगा, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे, 850 रुपया एक महीना का, तो पूरे साल का कितना होगा 10,200 हो जाएगा। उसका इनर कॉलम नंबर लिखेंगे और सेकंड, सेकंड क्या था, व्हीकल लोन के लिए था ना, यानी रिकवरी ऑफ व्हीकल लोन, रिकवरी ऑफ व्हीकल लोन कितना था, 4,375 रुपया था ना पर मंथ था ये भी, तो ऐसे इसको ये काम यही करेंगे, 4,375 इंटू कितना 12 कर देना है, कितना आ जाएगा 52,505। इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चे याद रखना, 52,505। ओके, और तीसरा आइटम क्या बताए थे, इनकम टैक्स कितना था, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना था 46,300। तीनों को ऐड कर दो, ये तीनों को जोड़ करके 30 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इट इज कॉल्ड क्या, बेसिक सैलरी। ये आपका टोटल ऐड करके हो जाएगा 1,09,000, हो जाएगा 1,09,000। और जब 1,09,000 इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर रुपीज करके 4,58,200, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कॉल्ड बेसिक सैलरी। बीआरएस वाला था, नहीं नहीं वो नहीं होगा, बीआरएस को इसको नहीं दिया जाएगा, उसको डिडक्शन नहीं मिला होगा वहां पर, जो एक्चुअल अपने इच्छा से जो ये करता है ना वो आपको उसको डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, स्वेच्छा से वो गया है, तो वही उसी पर बताए ना कि ये आपका जो था लास्ट में लिखवाए थे अपने स्वेच्छा से, मतलब अपने इच्छा से किसी भी फंड में पैसा देना डिडक्शन का पार्ट नहीं कहलाता है वो, तो जब उसको वहीं पर डिडक्शन नहीं मिला, ध्यान से सुनो, जब हम तो क्या समझा है, सिंपल वर्ड में आप लोगों को बच्चे अभी हम बताए हैं कि वो सारा डिडक्शन जो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट किया हो गया होगा तो उसको बेसिक सैलरी निकालते हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन जो डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में ही नहीं हुआ उसको हम यहाँ पर ऐड क्यों करेंगे, ठीक है, तो स्वेच्छा से क्या किया गया, मान लो हम किसी को अपने पास से 10,000 रुपया बॉन्डे को दे दिया और हम जाके कहें इनकम टैक्स फोर्थ नंबर कंडीशन, कुछ आवाज नहीं, फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, नोट नहीं किए, अच्छा नीचे हो गया ज्यादा नहीं, आप सुनो ना, आप क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में जो डेटा लिखवाए हैं उसमें से वो कंडीशन वाला खाली पार्ट छोड़ दो, बाकी सबको क्या कर दो, ऐड कर दो,
है और चूंकि वो मंत्री था इसीलिए टैक के 12 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है ना। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो देखिए बच्चे फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, पढ़िए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सुनिएगा थोड़ा, क्वेश्चन समझ में आया कि श्री पुनीत नाम का एक व्यक्ति है जो जिसका ज्वाइनिंग हुआ है 1 जुलाई 2019, ये याद रखना है। कब ये हुआ है समझिएगा थोड़ा बच्चे, 1 जुलाई 2019 को कितना पड़वा ज्वाइनिंग इसका 45,600। इसके बाद क्या कर रहा है उसका, तो ये कितना 6,000 है ना, ग्रेड पे 6,000 और 3% एनुअल इंक्रीमेंट। तो मुझे निकालना है, पहले तो हेडिंग लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ क्या बेसिक सैलरी, तो ये बात तो हम लिख लिए। देखो वर्किंग नोट करेंगे इसमें और उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझ आएगा फिर आप नहीं बना पाओगे। तो एक चीज तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि सैलरी, इसको वर्किंग नोट में रखेंगे क्या हुआ जी, चलो चलो देखो वर्किंग नोट में इसको रखेंगे, बिकॉज वर्किंग नोट इज योर पार्ट ऑफ एंसरशीट। हेलो, देखिए सैलरी, तो सैलरी कितना स्टार्टिंग में कितना था ये लिख सकते हैं ऑन 1 जुलाई 2000, यही है ना, किस डेट पे सैलरी कितना था इसका, कितना ही है ना, ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ग्रेड पे है तो ग्रेड पे कितना है 6,000, तो ग्रेड पे इसका वो सीनियर में है जो अभी हम आपको बताए थे इस तरह का, अभी प्रीवियस क्लास में बताए थे आप लोगों को, ठीक है, कि अब ये आपका हो जाएगा 15,000, फिर ये आपका हो जाएगा 800 रुपया, फिर ये हो जाएगा आपका 17,000। अब देखोगे हम लोग का भी, जो किसी भी कॉलेज का भी, किसी भी लेक्चरर का हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर ग्रेड पे देता है तो आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। और हम आपको एकदम क्लियर बताए हैं कि ये जो बढ़ता है वो मंथली बेसिस पर बढ़ता, सॉरी ईयरली बेसिस पर बढ़ता है, प्रीवियस क्लास में जब आपको बताए होंगे। तो यहाँ तो सिर्फ 6,000 दिया हुआ है ना, तो हम क्यों नहीं इसमें सिंपल ऐड कर दें, ऐड ग्रेड पे कितना है, याद रखेंगे कौन सा डेट, ये डेट को याद रखना है 1 जुलाई 2019। अब देखो 19 से 20 हुआ, 20 से 21 और 21 से 22 जुलाई तक ना, आपका तो लेना है मार्च तक ही, यस या नो, अभी आपका जो असेसमेंट ईयर है वो 2020 से, यही है ना, 2022 से 23 यही असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो आप जो सैलरी इसका कैलकुलेट करोगे वो यही करोगे कैलकुलेट ना,
Yes or no? First April 2021 to 31st March 2022. अब मुझे ये जुलाई से करा, इसका मतलब अप्रैल मई और जून तीन महीना अलग कैलकुलेशन होगा, और नाइन मंथ जो होगा वो क्या होगा, अलग कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कितना, इसको क्लोज मत, इसको क्लोज नहीं करना हम लोगों को, इसमें और भी काम करना हम लोगों को। हर एक साल वो क्या होता है, एक तरह से इंक्रीमेंट भी आपको 3% दिया हुआ था ना, मतलब एक बार आपका 6,000 क्या हुआ, वो बढ़ा दिया, और उसके बाद जो वो बढ़ाएगा वो कितना कितना बढ़ाएगा, 3% तो आप हमको ये बताओ, ये जो डेट अमाउंट आया है, ये अमाउंट आपका कब का आया है, 1st जुलाई 2020। तो इसमें फिर आप एनुअल इंक्रीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, हम तो कहेंगे उसी को बनाते थे, एक क्वेश्चन में हेडिंग लिख लिए थे कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी। चलो पहले ये दो लाइन नोट कर, उसी में पढ़ लिए सर। एनुअल इंक्रीमेंट ये हो जाएगा बेसिक सैलरी, और इसको क्या कहेंगे, बेसिक सैलरी ऑन 1st जुलाई 2019 हो गया। अब इसमें ऐड कीजिए, ऐड एनुअल इंक्रीमेंट, ऐड एनुअल इंक्रीमेंट कितना परसेंट था, तो 3% इसमें कितना का 3%, नहीं बेटा 3% और रुपीज कितना, 51,600 जोड़िए, तो 1548 रुपया उसमें ऐड कर दीजिए, ये जो आपका ऐड करके कितना आ जाएगा, हाँ 53,148 53,140। ये जो सैलरी हुआ ये किस डेट का हुआ, चूंकि एनुअल इंक्रीमेंट हम कर दिए हैं, तो 19 के बाद क्या होगा ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ऑन 1st जुलाई 2020। ये बात आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, 6,000 रुपया तो ग्रेड पे था उसको ऐड कर दिए पहले, इसमें सालाना जो वृद्धि होता है 3% का रहा है, तो समझ में नहीं, 17 से 18 ये नहीं जाएगा, या 19 से 21 ही होगा, या 20 से 21 ही होगा, जो डेट क्या होगा उसी पे एक साल बढ़ाएंगे। एनुअल का मतलब क्या होता है ये पता है ना, वार्षिक, ईयरली है ना, तो सालाना अगर मान लो ये 2019 के होगा, तो 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2020 तक में जाएगा वो जी, एक साल होगा 12 महीना का, तो वही तो काम हम किए कि 1 जुलाई 2019 यहाँ दिखाता है, 1 जुलाई 2020 अब ये कर दिए, फिर इसमें ऐड करेंगे एनुअल, एनुअल इंक्रीमेंट कितना, फिर वही याद रहेगा कितना परसेंट, 3% और रुपीज कितना, 53,148 अप्रैल मई जून तक का ही लेंगे, 3 महीना का अलग कैटेगरी जाएगा, पहले उस डेट तक आए तब तो उसको 3 महीना और 9 महीना हम करेंगे, कि उस डेट में आकर के सालाना कितना पड़ रहा है, नहीं पहले साल कैसे, तो 19 का था, 19 से हम 19 का सैलरी अपने 21-22 में दे देंगे, 21-22 तक आएंगे हम ना, हाँ अभी देखो
अभी जो हम लिखे थे बोर्ड पर कि आपको ईयर हम क्लियर बताए थे यहाँ पर कि 2022-23 आपका कितना है, क्या समझा रहे थे कि मेरा असेसमेंट ईयर क्या है 22 से 23 है। yes, सैलरी जो वहां पर दे रहा है क्वेश्चन में वो 2019 फर्स्ट जुलाई को दे रहा है, तो मुझे तो 1920 या 21 से अगर आपको ये 21 फरवरी भी कहेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर के इनकम पर ही असेसमेंट ईयर में क्या किया जाता है। हमको तो यहाँ समझना क्लियर पड़ेगा ना कि 2021 से लेकर के 22 यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो उसका सैलरी होगा उसी को समझना है यहाँ, चाहे वो 2010 से ही क्यों ना सैलरी दिया हुआ हो आपको वहां तक लाना पड़ेगा, वहां तक एड लेस करके आपको वहां तक वहां उस डेट पे उसको कितना सैलरी मिल रहा है, सवाल उससे है। तो अब आपको दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2019 को फर्स्ट जुलाई 2019 का आपका सैलरी है, उसमें ग्रेड पे मतलब 6,000 रुपया एक बार फिक्स दिया जाए 6,000 बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद जो हम आपको बढ़ाएंगे तो ईयरली 3% बढ़ाएंगे, तो वही काम हम क्या किए कि एक बार ये फिक्स अमाउंट हो गया कि चलो भाई 45,600 रुपए स्टार्ट किए और 6,000 रुपया और हम आपको दिए, लेकिन इसके बाद 3% हम आपको क्या करेंगे तो वो भी तो 3% उस ईयर में ऐड होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून आप कर सकते हो, आप कर सकते हो ना सर। यहाँ जो आप लिखे हैं फर्स्ट जुलाई लिखे हैं ये 2019 का था यहाँ पर, तो यहाँ तो आपको 30 क्या लिखा जाए फर्स्ट जुलाई 2020 लिखे, आप जून भी यहाँ पर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ जुलाई था तो यहाँ पर भी जुलाई कर दिया, यहाँ पर भी 1 तारीख था यहाँ पर भी 1 तारीख कर दिया, और 20 के बाद क्या कौन सा साल आएगा। अब इसके बाद फिर हर एक साल 6,000 नहीं होगा, 6,000 एक ही बार। ग्रेड पे का यहाँ मतलब जो है तो यहाँ पर आपको एक जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट केस जो बताए थे ये वाला देकर के 11,000 फिर 300 फिर क्या अगर इस तरह से ये भी होगा ग्रेड पे तरह से अगर इस तरह से रहेगा तो फिर हम इस 300 को ईयरली बढ़ाते जाएंगे कहां तक 6,000 ना हो जाए लगभग ये पाता है ठीक है। लेकिन आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेड पे का मतलब हुआ कि एक ही बार, और पे स्केल का मतलब ये क्या हुआ ये आपका कंटिन्यूअसली ये 300 रुपया ईयरली बढ़ेगा कब तक 6,000 तक, फिर आपको दे देगा 500 फिर आपको दे देगा 800 नहीं वो गलत हो जाता। सुनो यहाँ पर वो गलत हो जाता, क्यों गलत होता क्योंकि 3% को ईयरली इंक्रीमेंट है
और ईयरली 12 महीना उसका कब आएगा? जब उसमें हम 12 महीना ऐड करेंगे तो यहीं तक तो आएगा वो ना, आएगा ना, इसीलिए वो हम लिखे हैं। चलो फिर इसका 3% निकालो, इसका 3% निकालिए, ये हो जाएगा 1.94। ऐड कीजिए अप्रॉक्स, ये पॉइंट भी क्यों लीजिएगा सर, अप्रॉक्स कर लीजिए, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 54,742, ये हो जाएगा। और इसके सामने ये हो जाएगा बेसिक सैलरी, यस, 1 जुलाई 2020। अब इसमें देखिए, अब यहां तक पहुंच गया मेरा ना, अब देखो मेरा 2021, अब ये तो साल पर चलेगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा दिए। अब मुझे जो लेना है लिखिए, बेसिक सैलरी, इसको लिखने के बाद इसके नीचे ही लिखोगे, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे पास है, पहले तो नोट कर लो, हो गया सर, चुनने लिखे नहीं, दोनों को, जैसे आप मान लो 10,000 हम दिए और उसमें 2,000 और हम आपको मॉनेटरी के टर्म में दे दिए, वो तो इंटरनल है, वो तो क्लियर है, सैलरी के कारण जो आपको उसको दिया हुआ था, उसमें तो ये होंगे ना सैलरी, ना सैलरी तो मेरा 45,600 हुआ ना, 45,600 ये आपको जो ग्रेड पे दिया हुआ है उस ग्रेड पे को इंक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूड नहीं। आप सिंपल ग्रेड पे जो है ना उसको बेसिक सैलरी में आपको ऐड किया जाता है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इसके बाद बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अब देखो दो कैटेगरी आया यहाँ पर, यही दोनों पॉइंट बताना है, एक ये हुआ और एक ये आपका 3 मंथ, और ये कितना रहेगा। अब वही चीज हम लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं आपको कि ये 2020 से 21 तक रहेगा इतना सैलरी, और फिर ये 21 से 22 तक आपका सैलरी कितना रहेगा। साल का ये तो कितना गया है ना, 3% ऐड करके तो है, ये जो आएगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का आएगा, फिर ये जो ऐड करेगा वो नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके, ये तो स्टार्टिंग था ना, ये तो का वो क्या था, 20 से 20 रहेगा एक साल, फिर 20 से 21 रहेगा ना, फिर 21 से 22 रहेगा, ये 19 से 20, ध्यान सुनो, 19 से 20 इतना हो जाएगा, फिर 20 से 21 में ये हो जाएगा, ठीक है, 19 से 20 में ये हो जाएगा, ऐसे देखो, 20 से 20 ये बेटा हो गया,
ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा 2021 से देखो बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून होगा ना, जुलाई से पहले किसे दिन होगा ना, देखो 30 जून 2021 को इसमें इंटीग्रल में आएगा तो कितना हुआ, ब्रैकेट में लिखो 3 मंथ हुआ ना, तो 3 मंथ कितना इंटू 3 कर दो 53,148 हम लिख देते बोर्ड पर लैंग्वेज लिख दियो ना, देखो बेसिक सैलरी फ्रॉम फर्स्ट आगे लिख रहा हूँ अप्रैल सर लेकिन ये समझ में तभी आएगा आपको जब इसका वर्किंग नोट आप समझ जाओगे, जब तक वर्किंग नोट नहीं समझोगे सिंपल हम बता दिए आपको जो आपका इससे पीछे जो फर्स्ट जो केस था, ध्यान सुनो, हेलो जो फर्स्ट केस होता है तो उसमें आपको Thank you.
ओके बच्चे, अच्छा इसको बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा।